अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का खरगोन दौरा संपन्न, मुख्य चर्चाओं के बाद नवग्रह मंदिर दर्शन भी किए। खरगोन शहर में प्रदेश के गृह मंत्री आते ही मीडिया सवालों से घिरे, तत्पश्चात मिले कार्यकर्ताओं से लिया जायजा, जाने जिले के हालात और स्थितियां। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, ऊर्जावान पुलिस बल नजर आए, साथ ही कार्यकर्ता, पत्रकार गण आदि सर्किट हाउस खरगोन में मौजूद रहे। इसके पश्चात पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम चार थानों का लोकार्पण किया, तत्पश्चात समीक्षा बैठक ली। प्रेस से चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए उज्जैन में हुई देश विद्रोही घटना की भी निंदा करी। इसके बाद खरगोन के सुप्रसिद्ध नवग्रह मंदिर पहुँचे और दर्शन किए। इस दौरान विभिन्न ज्ञापन और सेल्फियों का दौर भी चलता रहा। जो अवैध मादक शराब का प्रकरण, उसके तार 16 ग्राम ढक्कन जो बरामद हुए थे, तो इसके तार दिल्ली तक जुड़े थे, उस संबंध में भी बात हुई, ताजा स्थितियों पर भी बात हुई। त्योहारों पर भी बात हुई नहीं प्रदेश, कोरोना काल को लेके गृह मंत्रालय ने से गणेश चतुर्थी और चेलुम के लिए एक नया आदेश जारी किया है, क्या आदेश में क्या रहेगा? पूरा पढ़ के सुनो, निकालना पड़ेगा मोबाइल, पर वो आप सबके पास आ गया है। और गृह मंत्रालय कोरोना को लेके गाइडलाइन जारी करता रहता है और हम सबको पालन करना चाहिए, सब लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। आज वही कारण है कि जो पड़ोस के राज्य महाराष्ट्र में इतने केस आने के बाद, केरल में आने के बाद, हम नियंत्रित हैं। लोग रोज 70,000 से ज़्यादा हम सैंपल लेते हैं। कोरोना के केस आज 18 केस कोरोना के आए, 10 लोग ठीक हुए हैं, कुल 108 केस हमारे एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में बचे हैं, 68,000 आज सैंपल लिए गए। तो कोरोना को किल करने की नियत तो है सरकार की, बढ़ने नहीं देगी। सर प्रदेश में तीसरी लहर को लेकर आशंका बनी हुई, ऐसे में बच्चों को देखते हुए ये सच है कि आशंका जब WHO के और बाकी वैज्ञानिक कहते हैं, तो उसी को ध्यान में रखकर हमने अभी नाइट का कर्फ्यू नहीं हटाया। अभी हाल आप ही ने कहा कि कोरोना के कारण से गणेश जी के निकलते हैं, विसर्जनों को रोका गया, तो इसीलिए ये सब रोकते हैं कि एकदम कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, इसका एकदम नहीं फैल जाए, कोई एक पेशेंट ऐसा ना हो कईयों को फैला के चला जाए। खरगोन जिले में काफी समय से मेडिकल कॉलेज की बात की जा रही है, आज भी ज्ञापन दिया है, देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं इंदौर, उज्जैन और अन्य जगह। ये चिंता की बात है, सवाल भी अच्छा है। देश विरोधी नारे जो विकृत मानसिकता के लोग लगा देते हैं वो एक पक्ष है, लेकिन उनके समर्थन में लोग पाकिस्तान जिंदाबाद को काजी साहब जिंदाबाद का करके खड़े हो जाते हैं, ये चिंता ज्यादा है। इस तरह से दिग्विजय सिंह उनके समर्थन में आ जाते हैं, ये निंदनीय मानता हूँ मैं तो इसको, ये अच्छा नहीं है। ये सांप्रदायिक रंग क्यों दे रहे हो? ये हिंदू मुस्लिम का मामला थोड़ी है, दो देश का मामला है, दो धर्म या दो जाति का मामला नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद कहना भारत के। डिजियाना न्यूज़ रिपोर्ट खरगोन।